जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमिल टेक, आज हम बात करने वाले हैं iframecapital.com वेबसाइट के बारे में कि जो iframecapital.com जो वेबसाइट है ये रियल वेबसाइट है फिर फेक वेबसाइट है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऑलरेडी iframecapital.com वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं फॉरेक्स पे ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या सच में iframecapital.com जो वेबसाइट है ये रियल वेबसाइट है फिर रियल कंपनी है या भी नहीं? तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी iframecapital.com वेबसाइट को ओपन किया हूँ। आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है इसके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि जो वेबसाइट है सिक्योर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम भी आपको वार्निंग दे रहा है कि जो वेबसाइट है टोटली एक अनसिक्योर वेबसाइट है। तो प्लीज़ डोंट शेयर योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका कोई पासवर्ड हो गया या फिर आपका कोई फाइनेंशियल डिटेल्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, XYZ कोई भी डिटेल्स आपको यहाँ पे शेयर नहीं करना है। तो गाइस यार, देखो ये जो वेबसाइट है ना iframecapital.com, ये गाइस आपको फॉरेक्स मार्केट पे ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पहले आप ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आप डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। डेमो अकाउंट क्रिएट करने के बाद डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं, देन एक रियल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेबसाइट, इसके अंदर आप CFD एंड FX ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको ये सुविधा देता है एंड आपको ये वेबसाइट इसके साथ आपको रिस्क फ्री ट्रेडिंग टूल्स भी प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ट्रेडिंग टूल्स। गाइस आप देख सकते हैं वेबसाइट के बारे में कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि व्हाट मेक्स ए iframecapital डिफरेंट, हु वी आर। iframecapital इज एन द इंटरनेशनल फिनटेक कंपनी दैट द प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑफ होल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड इनोवेशन एंड इंटीग्रिटी टू सॉल्व द फाइनेंशियल मार्केट। वी आर द फुल्ली लाइसेंस्ड विद ऑल रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉराइज। यानी कि गाइस ये वेबसाइट बोल रही है कि हमारे पास बहुत सारे से लाइसेंस अवेलेबल है, हम फुल्ली लाइसेंस है, फुल्ली ऑथराइज कंपनी है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हम देखेंगे कि जो वेबसाइट कितना सिक्योर है, कितना अनसिक्योर है, इसके पास कितना लाइसेंस है या फिर कितना फेक लाइसेंस है, यानी कि बहुत सारे से फेक वेबसाइट हम देखे हैं पास। एंड गाइस इसके साथ आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का रिलेटेड बहुत सारे से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। तो यार देखो ये जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं नीचे तीन सोशल मीडिया का लिंक्स आपको दिया गया, एक है ट्विटर का एंड सेकेंड है लिंक्डइन का एंड ये थर्ड है यूट्यूब का। तो चलो देख लेते हैं कि ये काम करता है या फिर नहीं। भाई लोग ये काम कर रहा है। iframecapital का जो यूट्यूब चैनल है इसमें भाई 2.23K सब्सक्राइबर है, आप देख सकते हैं। एंड इनका अपना एक ट्विटर पे भी अकाउंट है एंड लिंक्डइन पे भी एक अकाउंट है, सॉरी लिंक्डइन नहीं, टेलीग्राम पे। लेकिन गाइस आप देख सकते हैं जो iframecapital.com जो वेबसाइट है ये GoDaddy.com से रजिस्टर हुआ था 2021 जून 8 तारीख को एंड इसका एक्सपायर डेट है 2027 जून 8 तारीख। यानी कि गाइस जो डोमेन है ये 2021 में रजिस्टर हुआ था एंड इसका एक्सपायर डेट है 2027। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन किया गया है इंटेलिजेंस है iframecapital LTD, स्टेट है ओंटारियो एंड कंट्री वाइज, ठीक है। तो यार देखो ये जो डोमेन है ये तो भाई 5-6 साल के लिए रजिस्टर हुआ है, लेकिन यार देखो जो iframecapital.com जो वेबसाइट है, ठीक है, इसका ओनर्स के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, ओनली नेम मेंशन किया गया है और जो डोमेन है 5 to 6 ईयर्स के लिए रजिस्टर हुआ है, ठीक है, ये के पॉजिटिव बात है। लेकिन यार देखो आपको ट्रेड करना है या फिर नहीं, मैं आपको बता दूँ, ये जो वेबसाइट है ये जो कंपनी है इंडिया का नहीं है, इंडिया में ये रजिस्टर नहीं हुआ है और ये जो वेबसाइट है इसके पास SSL सर्टिफिकेट भी अवेलेबल नहीं है। मेरे हिसाब से आप यदि मुझे क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्या आप फॉरेक्स मार्केट पर ट्रेड करने के लिए iframecapital.com को यूज़ करेंगे, तो यार देखो मेरा आंसर रहेगा नहीं। बिकॉज यार देखो मैं यूज़ करता हूँ भाई WazirX को, मैं यूज़ करता हूँ Binance को फॉरेक्स मार्केट पे ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये जो iframecapital.com जो वेबसाइट है इसके ऊपर ना भाई मुझे 1% का ट्रस्ट नहीं आ रहा है। iframecapital.com जो वेबसाइट है मुझे ऐसा लगता है कि एक स्कैम वेबसाइट है, एक फ्रॉड वेबसाइट है। तो गाइस आपको क्या कहना है iframecapital.com को लेकर, प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कि नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।